रसोई अन्नपूर्णा में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पनीर लिया है जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। आलू मैंने बॉयल लिए हैं, मैंने दो आलू लिए हैं। मैदा लिया है, कड़ी पत्ता लिया है। टमाटर मैंने तीन लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। प्याज मैंने तीन लिए थे, जिसके अंदर मैंने काजू और बादाम को पीस के इसकी प्यूरी बनाई है। दूध लिया है मैंने, और खड़े मसालों में मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, कसूरी मेथी, लौंग, काली मिर्च और मलाई, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, धनिया और सूखे मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और मसाला, गरम मसाला लिया है। और तलने के लिए मैंने तेल लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये पनीर है कद्दूकस किया हुआ, उसके अंदर मैंने ये दो आलू को, जो मैंने बॉयल आलू लिए थे, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैंने पनीर को और आलू को मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक का डालना है और गरम मसाला, गरम मसाला भी मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है, और धनिया की पत्ती, इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मैदे के भी डालने हैं, ज्यादा नहीं डालना है मैदा 2 टेबलस्पून ही डालने हैं। और इनको अच्छी तरह से अब मिक्स करके एक डो तैयार करना है। रेडी हो चुका है। अब मैंने लोई के आकार का थोड़ा सा डो हाथ में लिया है, उसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट किया। ये देखिए, अगर आपको गोलाई में कोफ्ते पसंद है तो आप गोलाई में बना सकते हो, बट मैंने इसको लंबे बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो ये मैंने मैदा है, मैदे को इसके ऊपर लपेटना है इस तरह से, क्योंकि अगर हम मैदे को नहीं लपेटेंगे तो ये हम अगर तलेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो इसी तरह से हमने जो और डो है उसको भी इसी तरह से उनको कोफ्तों को आकार देना है। कोफ्ते बनकर सारे रेडी हो चुके हैं। इधर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गर्म कर लिया है। अब मैंने एक एक करके इसके अंदर कोफ्ता डालना है, बिल्कुल धीमी धीमे इसको बनाना है, क्योंकि ये कढ़ाई के अंदर जाकर फट भी जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे कोफ्तों को अच्छी तरह से तल देना है। गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने खड़े मसाले डालने हैं, कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 3-4 काली मिर्च, जीरा, और इनको हमने अब अच्छे तरह से 1/2 सेकंड के लिए इसको पकाना है। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी, प्याज, काजू और बादाम का जो मैंने पेस्ट रेडी किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने इसको 2 मिनट के अंदर पकाना है। मसाला पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने आपको अदरक लहसुन का पेस्ट कहा था वो इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और फिर इसको पकाना है अच्छी तरह से। मिक्स करके इसको अच्छी तरह से पका लेना है, और तब तक पकाना है जब तक के आस पास से इसका घी ना निकलना लग जाए। जब ये घी छोड़ देगा मसाला, उसके बाद समझ लीजिएगा कि ये हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, लगभग पक चुका है। अब मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालनी है। मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च लिया है, हल्दी, गरम मसाला, मैंने नमक अभी नहीं डाला है, नमक हमने बाद में डालना है। इनको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करके पकाना है। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, और अब मैंने इसके अंदर दही डालना है। मैंने ये मसाला लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया था, और अब मैंने इसके अंदर दही मिक्स किया है। ये देखिए, दही मिक्स करने के बाद में उसी टाइम हमने इसके अंदर जो मलाई थी वो मैंने इसके अंदर मिक्स की है। मैंने 1/2 कटोरी मलाई के लिए, अब मैंने इसको फिर से 5 से 10 मिनट तक पकाना है। अब मैंने इसको 5 मिनट तक पका लिया है। अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है, ये
ये देखिए दूध ऐड करने के बाद में अब हमने नमक इसके अंदर ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने पहले ही नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर मलाई और दही को मिक्स किया था, तो अगर हम पहले मिक्स करेंगे तो उसमें फटने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में मैंने नमक को ऐड किया है दूध के साथ। अब इसको हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है क्योंकि अगर आप इसको पकाना इसको हिलाओगे नहीं तो ये फट सकता है, तो इसलिए इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको पकाते रहें। के अंदर कसूरी मेथी डाल दिए और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये मेरी ग्रेवी पक चुकी है। अब जो मैंने कोफ्ते रेडी किए थे वो मैंने इसके अंदर डालने हैं। गैस को हमने बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमने कोफ्ते डालने हैं। इसी तरह सारे कोफ्ते इसके अंदर मिक्स करने हैं। शाही कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये जो मैंने मसाला रेडी किया था अगर ये आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।